हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होम्योस्टेसिस की होम्योस्टेसिस दो वर्ड से बना है होम्यो एंड स्टेसिस पहला होम्यो होम्यो मीन्स इक्विलिब्रियम और बैलेंस और दूसरा वर्ड है स्टेसिस मतलब स्टैंडिंग स्टील कोई भी प्रोसेस कॉन्स्टेंटली एक रेंज में मेंटेन है तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रोसेस की होम्योस्टेसिस मेंटेन है तो होम्योस्टेसिस को डिफाइन कैसे करेंगे सो होम्योस्टेसिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द बॉडीज इंटरनल एनवायरमेंट मींस बॉडी के इंटरनल एनवायरमेंट में जब इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन रहती है तो उसे बोलेंगे होमियोस्टेसिस। फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर लेवल ब्लड सुगर लेवल की नॉर्मल रेंज है सेवेंटी टू हंड्रेड एंड टेन एम पर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड मीन्स ब्लड शुगर लेवल अगर सेवेंटी से हंड्रेड एंड टेन के बीच में है तो कह सकते हैं कि शुगर की होम्योस्टेसिस में अलग अलग स्टिम्यूल किसी रीजन की वजह से हमारा होम्योस्टेसिस डिस्टरप्ट होता रहता है यह स्टिम्यूल और रीजन तीन टाइप के होते हैं इंटरनल स्टिम्यूलस मीन्स शरीर के अंदर का ही कोई रीजन जो होम्योस्टेसिस को डिसरप्ट करता है दूसरा एक्सटर्नल स्टिम्यूलस शरीर के बाहर का कोई रीजन जैसे कि बहुत ही ज्यादा ठंडी और बहुत ही ज्यादा गर्मी और तीसरा रीजन हो सकता है सोशल स्टिम्यूलस जैसे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लेकिन ये सब फैक्टर जो डिसरप्ट करता है होम्योस्टेसिस को इनके साथ में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए भी एक सिस्टम होती है जिनको कहते हैं फीडबैक सिस्टम सो फीडबैक सिस्टम कैन रेगुलेट द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट। फीडबैक सिस्टम तीन स्टेप में काम करता है पहला बॉडी का जो स्टेस्टस होता है बॉडी की जो कंडीशन होती है उसको मॉनिटर करता है दूसरा बॉडी कंडीशन को इवैल्यूएट करता है और तीसरा बॉडी कंडीशन को चेंज करता है फिर से उसी प्रोसेस को रीमोनीटर करता है रीइवाल्युएट करता है एंड रीचेंज करता है और ये प्रोसेस चलती रहती है सो फीडबैक सिस्टम इज अ साइकिल ऑफ इवेंट इन विच द स्टेटस ऑफ बॉडी कंडीशन इज मोनीटर इवाल्युएटेड चेंज रीमोनीटर री इवाल्युएटेड एंड सो ऑन फीडबैक सिस्टम में तीन कंपोनेंट होते हैं पहला रिसेप्टर दूसरा कंट्रोल सेंटर एंड तीसरा इफेक्टर पहला रिसेप्टर को समझते हैं रिसेप्टर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बॉडी में हो रहे चेंजेस को मॉनिटर करता है और कंट्रोल सेंटर को इनपुट सिग्नल भेजता है इनपुट सिग्नल दो तरह के हो सकते हैं नर्व इंपल्स और केमिकल सिग्नल मीन्स कोई हार्मोन रिलीज करता है और हार्मोन एज अ इनपुट सिग्नल एक्ट करता है दूसरा एग्जांपल स्किन में प्रेजेंट सर्टेन नर्व एंडिंग कैन डिटेक्ट द चेंजेस इन टेम्परेचर अभी दूसरा कंपोनेंट है कंट्रोल सेंटर कंट्रोल सेंटर एक रेंज को सेट करता है विद इन विच अ कंट्रोल कंडीशन शुड बी मेंटेन दूसरा कंट्रोल सेंटर रिसेप्टर ने भेजे हुए इनपुट सिग्नल को रिसीव करता है उसका इवाल्युएशन करता है और उसके बाद इनपुट सिग्नल के अगेंस्ट में आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है आउटपुट सिग्नल भी दो तरह के हो सकते हैं नर्व इम्पल्स और केमिकल इम्पल्स तीसरा कंपोनेंट है इफेक्टर इफेक्टर रिसीव करता है कंट्रोल सेंटर ने भेजे हुए आउटपुट सिग्नल को और वो सिग्नल के सामने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा नियरली एवरी ऑर्गन और टिश्यू इन द बॉडी कैन बिहेव एज एन इफेक्टर एक एग्जाम्पल देखते हैं होम्योस्टेसिस का जब बॉडी टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है तो थर्मोरिसेप्टर ये बदलाव को डिटेक्ट करेंगे और इनपुट सिग्नल जनरेट करेंगे उसे कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन के पास भेजते हैं ब्रेन ये आउटपुट सिग्नल को इवाल्युएट करेगा और उसके सामने स्केलेटल मसल यानी इफेक्टर को आउटपुट सिग्नल भेजेगा जिससे कि स्केलेटल मसल में सीवरिंग होगा उससे हीट प्रोड्यूस होगी और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा फिर से रिवाइज करते हैं कि फीडबैक सिस्टम कैसे काम करती है सो समस्टिम्यूल डिस्टर्ब द होम्योस्टेसिस ऑफ कंट्रोल कंडीशन दैट इज मोनिटर्ड बाय द रिसेप्टर रिसेप्टर विल सेंड इनपुट सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर in form of nerve impulse or chemical signal control center receive the input signal and provide output signal to the effector organ effector brings about a change or response that alter the control condition then there is a return to homeostasis वैन द रिस्पोन्स ब्रिंक्स द कंट्रोल कंडीशन बैक टू द नॉर्मल ये फीडबैक सिस्टम कंट्रोल कंडीशन में हो रहे चेंजेस के सामने दो तरह से रिस्पोंड करती है अगर फीडबैक सिस्टम कंट्रोल कंडीशन में हो रहे चेंजेस का अपोज़ करती है तो उसे कहेंगे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और अगर फीडबैक सिस्टम कंट्रोल कंडीशन में हो रहे चेंजेस को एनहांस करती है उसे बढ़ावा देती है तो उसे कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम तो फीडबैक सिस्टम दो टाइप के हो गए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों फीडबैक सिस्टम को एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझेंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड्स